बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में सुधा अपने पति रमेश और दो बच्चे राघव और सुमित के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। रमेश मजदूरी किया करता था और इसी कारण उनके यहाँ दो वक्त की रोटी भी उन्हें बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उनके घर में पके खाने में कभी नमक ना होता तो कभी मिर्च ना होती, वैसे ही पकाया करते थे। एक दिन सुधा का पति थक कर घर आता है और सुधा से, सुधा आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। अच्छा बनाओ तो कैसे, घर में हमेशा पैसों की कमी होती है, ना ही बच्चे कुछ खा पाते हैं, ना ही हम पेट भर कर खाना खा सकते हैं। बनाओ तो क्या बनाओ? कुछ भी बनाओ लेकिन टेस्ट में जरा अच्छा बनाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। सुधा सोच सोच कर आखिर में घर में जो सामग्री है उसी से खाना पकाती है। आज उनके घर में फिर से मिर्च पाउडर नहीं थी तो उसने कहीं से उठाई हुई फीकी मिर्चियाँ ही इस्तेमाल की और खाना पकाया। घर आकर रमेश खाना खाने बैठ जाता है। पहला निवाला खाते ही उसे सुधा पर बहुत गुस्सा आता है। वो सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ अच्छा बनाओ, ये क्या बना कर रखा है तुमने, जरा खाकर तो देखो। क्या करूँ, हमारे घर के हालात तो आपसे छुपे नहीं है। मैं कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी करने आती हूँ तो आप आने नहीं देते, और आपके अकेले की कमाई में हम पेट भर खाना नहीं खा सकते। सुधा के ऐसे बात करने के कारण रमेश को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सुधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। इसी कारण रमेश उसे काम करने नहीं देता था। वो एक गरीब था लेकिन जिम्मेदार पति था। रमेश खाना ना खाकर भूखे पेट ही सो जाता है। सुधा उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाती। उसे बार बार याद आता रहता है कि रमेश आज फिर से भूखे पेट ही सो गए हैं, और वो सोचती है क्यों ना वो मर जाए ताकि कम से कम घर में तीनों तो पेट भर कर खाना खा पाए। इसीलिए वो रात के समय सबको सोए हुए देखकर वो चुपचाप घर से निकल जाती है, लेकिन उसकी मरने की हिम्मत ही नहीं होती। चलते चलते वो पास के गांव में पहुंच जाती है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे दिन के समय भी खड़ा रहो तो अंधेरा लगे। तभी सुधा को कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुधा डर जाती है और मन ही मन, बाप रे, इस घने पेड़ को पार करते करते न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात भर इस पेड़ पर ही चढ़ जाती हूँ और सुबह होते ही घर वापस लौट जाऊंगी। डर के मारे सुधा उस पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। अब उस पेड़ के नीचे सात चोर आते हैं, जो किसी बड़े घर को लूटकर अपना बंटवारा करने आए थे। उनमें से एक, देखो भाई, यही वो पेड़ है जहाँ इस समय कोई परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता, तो अब हम यही बैठकर अपना बंटवारा कर लेते हैं। और वो टॉर्च लगाकर बंटवारा शुरू करते हैं। अब सात बंटवारे हो चुके थे, तभी उनमें से एक, अरे देख लो भाई, ये सात बराबर हिस्से मैंने कर दिए है। तभी ऊपर बैठी सुधा ने चोरों की सारी बातें सुन ली। अब वो एक अलग ही आवाज निकालकर चोरों से, भाई आपने सात हिस्से तो कर दिए, उसमें से एक मेरा भी तो निकालना बाकी है। सुधा की आवाज सुनते ही वो आवाज की ओर टॉर्च घुमाते हैं, लेकिन सुधा इस तरह से छुपी थी कि उन सातों में से कोई उसे देख नहीं पाया, और वो घबरा कर सारा लूटा माल वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब सुधा नीचे आ जाती है और सुबह होने से पहले ही अपने घर चली जाती है, और वो अपने पति को धीरे से आवाज लगाती है, खुलिए खुलिए दरवाजा खुलिए, जल्दी जल्दी दरवाजा खुलिए। रमेश दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सुधा एक टोकरी में बहुत सारा सोना चांदी और पैसे लेकर खड़ी है। वो उसे अंदर लेता है। तभी सुधा, देखिए तो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे सुधा, ये तुम्हें कहाँ से मिला, और तुम रात भर कहाँ थी? जब मेरी नींद खुली तब से मैं तुम्हें यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। सुधा रमेश को सारी बातें बताती है। अब एक दो साल में ही धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी जमीन खरीदते है, बैल खरीदते है, और अपना घर भी अच्छा खासा बना लेते हैं। अब वो दोनों मिलकर अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं, साथ ही वो अपने जैसे कुछ लोगों की मदद भी करते हैं। तभी एक दिन सुधा के घर के पास रहने वाली एक औरत, जो बहुत अमीर थी, वो बातों बातों में सुधा से, सुधा क्या बात है, तुम्हारी तकदीर तो बिल्कुल किसी राजा जैसी निकली, क्या खजाना हाथ लगा है, जरा हमें भी तो बताओ। सुधा भोलेपन में सारी बात उस औरत को बताती है।
उस रात वो औरत भी अपने पति को बिना बताए ही उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है। सुधा के साथ घटी घटना को अब बहुत वक्त बीत चुका था। फिर से वो चोर चोरी कर उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वो पहले की तरह ही अपना बंटवारा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक चोर, अरे देखो भाई, अब बंटवारे बराबर हो गए है। चोर की बात सुनते ही औरत जोर से बोलती है, अरे भाई, मेरा भी एक हिस्सा रखना भूल गए तुम। वो चोर टॉर्च का लाइट आवाज की ओर दिखाते हैं। तभी वो औरत उन्हें पेड़ पर बैठी दिखती है। उसे देखते ही वो चारों चोर उसे नीचे उतारते हैं और लाठी से मारने लगते हैं। वो औरत जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और घर जाते ही वो उसके पति को आवाज देती है। उसका पति दरवाजा खोलकर देखता है तो वो उसी पर बरस पड़ता है। दूसरी ओर सुधा अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी, साथ ही गरीबों की मदद भी कर रही थी। साथ ही उसने एक अन्न छत्र भी बना लिया था, जिन्हें खाने में दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, वो वहाँ आकर पेट भर कर खाना खाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे की बराबरी करने जाओ तो हमारा ही नुकसान होता है, तो दूसरे की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। अमन नाम का एक लड़का फॉरेन में अपनी पढ़ाई करने के लिए गया था, जिसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में उसकी माँ काव्या के सिवा और कोई नहीं था। काव्या भारत में अकेले ही रहती थी। जब अमन को छुट्टी होती थी तभी अमन भारत आ पाता था। अब कुछ ही दिनों में अमन की पढ़ाई पूरी हो गई और अमन को वहाँ पर एक अच्छी सी नौकरी लगी थी। 3-4 साल गुजर चुके थे। अमन अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आ पा रहा था। अमन एक सरप्राइज प्लान करता है और किसी को बिना बताए भारत अपने घर आता है। अमन के घर में प्रिया नाम की एक नौकरानी काम करती थी, जो काव्या का हर काम किया करती थी और उसी के साथ उसके घर में रहती थी। अमन को प्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब अमन घर आता है तो अभी तो बहुत रात हो गई है, माँ भी अभी सो रही होगी। मैं ऐसा करता हूँ, चुपके से माँ के कमरे में चला जाता हूँ। माँ उठते ही मुझे देखकर सरप्राइज हो जाएगी। अमन अपने माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ के बेड के पास बैठ जाता है। दूसरे दिन सुबह प्रिया हर रोज की तरह काव्या के कमरे में आती है तो देखती है, अरे ये यहाँ कौन बैठा है, कहीं ये चोर तो नहीं। चोर चोर चोर, प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। साथ ही वो काव्या को कुछ कर न ले इसीलिए प्रिया अमन को पीटने लगती है और माँ जी उठ जाइए, माँ जी जल्दी से उठ जाइए, घर में ये चोर घुस आया है। माँ जी, काव्या हड़बड़ाकर उठते हुए, चोर? अरे कहाँ है चोर? अरे मैं चोर नहीं हूँ, क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ दो मुझे, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? अमन तुम कब आए बेटा? प्रिया छोड़ दो उसे, वो चोर नहीं है, ये मेरा बेटा अमन है। मैं तुम्हें हमेशा जिसके बारे में बताती हूँ ना, वही, ये मेरा शैतान लाडला बेटा है। काव्या उसे गले लगा लेती है। बेटे कितने दिन बीत गए तुम्हें देखे, मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन आने से पहले बताना चाहिए था ना। तभी प्रिया, मुझे माफ कर दीजिए साहब। ठीक है, वैसे तुम हो कौन? अरे बेटा ये हमारी कामवाली है, जो हमारी कामिनी मौसी थी उनकी लड़की प्रिया। अच्छा, कामिनी मौसी की बेटी, लेकिन मौसी कहाँ है? बचपन में मुझे कितना खाना खिलाती थी, मुझे बड़े प्यार से संभाला था मौसी ने। बेटा कामिनी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी, उसी में उसका देहांत हो गया और तभी से प्रिया यही रहती है। अमन प्रिया को देखते ही मन ही मन सोचने लगता है, कितनी सुंदर है प्रिया। प्रिया इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी उसे देखता ही रह जाए। वो घर के सारे काम भी बड़े अच्छे से करती थी। धीरे धीरे अब अमन को प्रिया पसंद आने लगी और अब अमन प्रिया से बातें करने के बहाने ढूंढने लगा। वो किचन में जाकर प्रिया से, प्रिया मुझे एक अच्छी सी चाय बना कर देना। जी अभी बना कर देती हूँ। प्रिया तुम्हें पता है, मेरे बचपन में माँ को कभी वक्त ही नहीं मिलता था। पिताजी के देहांत के बाद माँ कंपनी संभालने में व्यस्त रहती थी, तो कामिनी मौसी ही मुझे बड़ा लाड़ प्यार करती थी। अमन अब प्रिया से हमेशा इधर उधर की बातें करने लगा, प्रिया के बारे में और जानकारी हासिल करने लगा। अब अमन ने भारत में ही अपना जॉब ढूंढ लिया था। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अमन अपने माँ के पास जाता है और माँ से, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे वाह, कौन है वो खुश नसीब, मुझे जल्दी से मिलवा दे उस लड़की से, मैं भी तो देखूं मेरे बेटे की पसंद।
अरे माँ, आप उससे मिल चुकी है और उससे घर के काम भी करवा चुकी है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो अभी अभी इंडिया आए हो। माँ, मैं प्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। अमन, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, तुम घर की नौकरानी से शादी करना चाहते हो? वो एक नौकरानी है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? माँ, प्रिया दिखने में बहुत खूबसूरत है और वो घर के सारे काम भी तो अच्छे से कर लेती है, और आपको क्या चाहिए? लेकिन वो एक नौकरानी है, वो कहा और हम कहा, और तो और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो क्या हुआ माँ, वो भी तो एक इंसान ही है ना। मुझे प्रिया बहुत पसंद है, मैं उससे ही शादी करूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। अमन की जिद के आगे काव्या कुछ नहीं कर पाती। कुछ ही दिनों में अमन और प्रिया की शादी हो जाती है। अब हर रोज की तरह प्रिया घर के सारे काम करती है। एक दिन अमन प्रिया से, प्रिया हम दोनों के लिए एक बढ़िया सी चाय बना के लाओ। जी अभी बनाती हूँ। प्रिया चाय बनाकर घर के गार्डन में लेकर जाती है और झूले के पास नीचे बैठ जाती है। अरे प्रिया, तुम नीचे क्यों बैठी हो, यहाँ आओ, यहाँ पर बैठो। जी वो मुझे यही आदत है। अरे प्रिया, अब तुम इस घर की बहू हो, ऊपर झूले पर बैठो। नहीं वो मुझे आदत नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा बाबा, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ नीचे ही बैठ जाता हूँ। प्रिया और अमन दोनों नीचे बैठकर चाय पीते हैं। तभी काव्या उन दोनों को दरवाजे से देखती है और मन ही मन, हे भगवान, इस लड़की ने तो मेरे बेटे को भी उसके जैसा नौकर बना दिया है। काव्या प्रिया को अपनी बहू के रूप में बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन काव्या प्रिया से कहती है, सुनो प्रिया, आज मैंने तुमसे मिलने के लिए मेरी सहेलियों को और उनकी बहुओं को खाने के लिए इनवाइट किया है। तुम हमेशा एक बात याद रखना कि अब तुम नौकर नहीं, इस घर की बहू हो, तो अच्छे से बंडन के नीचे आना और नौकरों वाली कोई हरकत मत करना। काव्या प्रिया को मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए देती है तो प्रिया उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन सास ने दिया है इसलिए प्रिया उसे पहनती है। थोड़ी देर में काव्या की सारी सहेलियां अपनी बहू के साथ आती है। उन सबकी बहुएं मॉडर्न होती है। प्रिया सास ने दिए हुए कपड़े और सैंडल पहनकर नीचे आ जाती है। ऊंची हील की सैंडल पहनने से प्रिया कंफर्टेबल नहीं हो पाती। सही बैलेंस ना होने की वजह से सबको कोल्ड ड्रिंक देते वक्त काव्या की सहेली के कपड़ों पर उसके हाथ से सारा कोल्ड ड्रिंक गिर जाता है। तभी काव्या की सहेली जूली कहती है, अरे यार, इसने सारा कोल्ड ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिरा दिया। मालूम है कितनी महंगी ड्रेस है ये, तुमने कभी पहले ऐसी ड्रेस देखी भी है? तभी रीटा वहाँ आकर, अरे नौकरों की अच्छे कपड़े और ऊंचे सैंडल पहनने की औकात ही नहीं होती, क्या पता ये अमन को कैसे पसंद आ गई, विदेश में रहकर भी ये अनपढ़ और गवार औरत से शादी कर ली उसने। रीटा की बातें सुनकर काव्या गुस्से से प्रिया से कहती है, प्रिया एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। काव्या की सहेलियां प्रिया से नौकरों की तरह काम करवाती है, साथ ही उसे बार बार ये याद दिलाती है कि वो एक नौकरानी थी। ये देखकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सहेलियों से, अरे ये मेरी बहू है, कोई नौकरानी नहीं, तुम मेरी बहू से ऐसा काम नहीं करवा सकती, मैंने तुम लोगों को यहाँ मेरे बहू से मिलवाने के लिए बुलाया था। काव्या, तुम्हें ऐसी अनपढ़ और गवार बहू मिली है तो उसे ऐसे नौकरों की तरह काम करवाया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले से तो वो नौकर ही थी ना। हाँ हाँ, तू कौन सी फेमस है, अपनी बहू को तो देख कैसे अजीब कपड़े पहन के आई है, और तेरी बहू क्या राजकुमारी थी जहाँ से तू उसे लेकर आई है। देखो काव्या, तुमने मुझे और मेरी बहू को कुछ कहा तो हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। अरे तू गुस्सा क्यों कर रही हो, कोल्ड ड्रिंक पी, खाना खा और मजे कर। प्रिया बहू, तुम अभी एक भी काम नहीं करोगी, रमा को कहकर खाना परोस दे और तुम्हें जो कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं वो पहनकर नीचे खाना खाने के लिए आ जाओ। प्रिया अपने रूम में जाती है और एक अच्छी सी साड़ी पहनकर नीचे आ जाती है। काव्या की सारी सहेलियां उसकी ओर देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। प्रिया साड़ी में बिल्कुल रानी जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी काव्या की सहेलियां काव्या को चिढ़ाते हुए, काव्या तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है, ये नौकरानी तो सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही। और हंसते हुए काव्या की सारी सहेलियां एक साथ मिलकर खाने के टेबल के पास जाने लगती है। तभी रीटा की बहू करीना वहां आ जाती है और काव्या की मैं रमा करीना से कहती है, तुम इतनी लेट क्यों आई हो, तुम्हें मालकिन ने जल्दी बुलाया था ना, चलो
अभी खाना परोसने में मेरी मदद करो। What the hell are you? मैं क्या तुम्हें काम वाली दिख रही हूँ? नौकर हो नौकर जैसे रहे और इंग्लिश झाड़ना बंद कर, मैम साहब ने देखा तो गुस्सा कर देंगी। ए हेलो, मैं रीटा जी की बहू करीना हूँ, अपने औकात में रहकर बात करना, मेड हो मेड की तरह रहना सीखो। बदतमीज कही की मुझे काम करने को कहती है। काव्या की मेड रमा हड़बड़ाते हुए, माफ कर देना मेम साहब, मुझे लगा मेरी दूसरी काम वाली पार्टनर है, वो आप ऐसे फटे कपड़े पहनकर आई है तो मुझे लगा वही है। व्हाट अ नॉनसेंस, ये तो स्टाइल है स्टाइल, तुम्हें क्या पता कपड़ों के बारे में, अपना काम करो चुपचाप। प्रिया किचन का सारा काम देखकर जब डाइनिंग टेबल के पास आती है तो करीना प्रिया से कहती है, यहाँ तो तुम्हें बैठने के लिए कुर्सी खाली ही नहीं है, तो तुम ऐसा करो अपने प्लेट लेकर वहाँ नीचे बैठ जाओ। प्रिया खाने की थाली लेकर नीचे खाना खाने के लिए बैठती है, उसमें उसे कोई शर्म नहीं आती। ये देखकर काव्या की सारी सहेलियां प्रिया के ऊपर हंसने लगती है। तब काव्या अंदर से आकर देखती है और प्रिया से, प्रिया तुम अब ये क्यों भूल जाती हो कि तुम अब इस घर की बहू हो, नौकर नहीं। माँ जी, मैं वही टेबल के पास कुर्सी पर बैठना चाहती थी लेकिन वह जगह नहीं थी। काव्या तुम ये क्यों भूल जाती हो कि नौकरों की औकात नौकरों जैसी होती है, उन्हें कैसे भी रखो उनकी आदतें कभी नहीं सुधरती। तभी अमन बाहर से आ जाता है, उनकी सारी बातें अमन ने सुन ली थी। प्रिया को भी इन सारी बातों से बहुत दुख हुआ था, उसे बुरा भी लगा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, अपने चेहरे पर उसकी शिकन तक नहीं आने दी। काव्या की सारी सहेलियां चले जाने के बाद काव्या ने प्रिया को बहुत खरी खोटी सुनाई और प्रिया से, निकल जाओ तुम मेरे घर से, मेरी और कितनी बेइज्जती करवाओगी। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हो। माँ तुम ये क्या कह रही हो, प्रिया को अपनी आदतें बदलने के लिए, सब चीजें सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो ठीक है, जब तक ये सब कुछ सीख नहीं लेती तब तक के लिए तुम इसे घर से बाहर भेज दे, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है माँ, अगर आप ऐसा चाहती हो तो हम दोनों इस घर से निकल जाएंगे। मैंने भी आपकी सहेलियों की सारी बातें सुन ली थी, फिर भी मैं चुप बैठा ताकि आपको कोई कुछ न कह सके। ठीक है तो तुम भी निकल जाओ यहाँ से, शायद यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया था। अमन और प्रिया घर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं, तभी अचानक से काव्या सीढ़ियों के ऊपर से पैर फिसल कर गिर जाती है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर काव्या को बिस्तर से उठने के लिए भी मना करते है। उन दिनों प्रिया काव्या की बहुत सेवा करती है, प्रिया काव्या को बिस्तर से उठने भी नहीं देती थी, प्रिया काव्या की दिन रात सेवा करती है। कुछ दिनों बाद काव्या एकदम ठीक हो जाती है, तब अमन काव्या के पास आकर, माँ अब हमारे जाने का समय हो गया है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम यहाँ रुक गए थे, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा, आप अपना ख्याल रखना। नहीं बेटा मुझे माफ कर दो, प्रिया बेटी तुम भी मुझे माफ कर दो, मेरी बहू बहुत अच्छी लड़की है, मैं प्रिया की अच्छाई को देख नहीं पाई, बस इसकी कमियां ही निकालती रही। प्रिया ने मेरी तुम्हारी गैर हाजिरी में बहुत सेवा की है और इस बार भी, लेकिन मैं ही गलत थी जो हमेशा इसे नौकर समझती रही, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ आप माफी मत मांगिए, अगर आप मुझे सिखाओगी तो मैं जल्द ही सब कुछ सीख जाऊंगी। माँ मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, ना ही मेरी वजह से आपका कभी अपमान होने दूंगी। हाँ प्रिया अब मैं तुम्हें सारे तौर तरीके सिखाऊंगी, साथ ही बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें मुझसे सीखनी है। प्रिया अब कुछ महीनों में ही सारे तौर तरीके अच्छे से सीख जाती है, साथ ही साथ अमन उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है। ऐसे ही एक दिन जूली काव्या और प्रिया को अपने घर खाना खाने के लिए इनविटेशन देती है। अब प्रिया अच्छे और मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होकर आती है, उन कपड़ों में प्रिया बहुत ही सुंदर दिख रही थी। जूली के घर जाकर प्रिया जूली की मदद भी करती है। प्रिया में आए सब बदलाव देखकर जूली काव्या से, काव्या तेरी बहू तो बहुत ही बदल चुकी है, वो सुंदर तो पहले से थी ही, अब तो वो पढ़ लिख कर समझदार और मॉडर्न भी हो चुकी है, लगता है मेरी बहू को काम सिखाने के लिए अब तेरी बहू के पास भेजना ही पड़ेगा। मेरी बहू तो कुछ काम करती ही नहीं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, सारा समय सिर्फ मेकअप ही करती रहती है, सजने सवरने में ही उसका पूरा दिन चला जाता है, लगता है उसे भी प्रिया के पास भेजना पड़ेगा। काव्या की सारी सहेलियां प्रिया की तारीफ करते करते थकती नहीं, सब प्रिया की बहुत तारीफ करते हैं। काव्या प्रिया को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अमन के आने के बाद काव्या अमन को सारी बातें बताती है, अमन को भी सारी बातें सुनकर बहुत खुशी होती है,
अब वो तीनों खुशी खुशी से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक अच्छा जीवन बिताते हैं।